दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार विधान परिषद यानी बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में 5 प्रकार का विज्ञापन निकाला गया है अलग अलग पदों के लिए, और सभी विज्ञापन को मैंने अलग अलग पार्ट वाइज बताने के लिए आपसे प्रोमिस किया है। और पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2019 04/2019 ये दो जो एडवर्टीजमेंट है इसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, और साथ ही सभी पोस्ट से रिगार्डिंग अलग से मैंने शुरू में वीडियो अपलोड किया था जिसमें सभी पोस्ट से रिगार्डिंग बताया था कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आ रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट एडवर्टीजमेंट भी मैं आप लोग को दिखा चुका हूँ। अभी पिछले वीडियो में मैंने 02 और 04 वाला जो एडवर्टीजमेंट है इसके बारे में मैंने बात कर लिया है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे 05/2019 वाले एडवर्टीजमेंट के बारे में। इसमें कौन कौन सा पोस्ट है, क्या इसका क्राइटेरिया है, कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी डिटेल हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बंद रहेगा। और आप सोचेंगे कि यहाँ पे जो विज्ञापन संख्या 03/2019 है इसके बारे में हम अभी क्यों नहीं बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बतला दूँ आपको कि इसके लिंक को डीएक्टिवेट कर दिया गया है किसी टेक्निकल रीजन से। जो ही इसे रीएक्टिवेट किया जाता है उसके बाद ही मैं आपको इसके बारे में ऑफिशियल जो जानकारी है आपको प्रोवाइड करा पाऊँगा। वैसे मैंने जो पिछला वीडियो है शुरू वाला इसके बारे में मैंने बात किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, शुरू वाला वीडियो। और सभी पिछला वीडियो और आने वाला जो वीडियो है उसको देखने के लिए आपको बिहार विधान परिषद भर्ती 2019 के नाम से एक यहाँ पे जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सभी वीडियोज मैंने इसमें डाला हुआ है, जो भी बिहार विधान परिषद से रिगार्डिंग जो वीडियो है सभी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर 05/2019 के बारे में, और इसके जो पोस्ट है इसका नाम है चालक यानी ड्राइवर का पोस्ट है इसमें। ठीक है, ड्राइवर का पोस्ट है, और यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो वही डेट है सेम वाला, 19 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट दिया गया है। आपको जो वेतन मिलेगा इसमें लेवल 2 के तहत मिलेगा, ड्राइवर पोस्ट है इसमें, और टोटल पोस्ट जो है 7 पोस्ट केवल आपको देखने को मिल जाएगी, कैटेगरी वाइज दिया गया है, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की, अगर आप मैट्रिक पास हैं और साथ में आपको LMB या फिर HMB का ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। और जो आपका वेतन मानकर जो PS के लिए रहेगा 19,900 से लेकर 63,200 रुपया रहेगा, और प्लस नियमानुसार अनुमान अन्य जो भत्ते मिलता है वो भी आपका भत्ता मिलेगा। और ये आपको ऑल इंडिया जॉब है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे जो है बिहार के कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, लेकिन अदर स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आप जो है स्वतंत्र हैं। ओके, और यहाँ पे बात कर लेते हैं आरक्षण की, तो आरक्षण जो है बिहार के कैंडिडेट को ही मिलेगा और अदर स्टेट को कोई यहाँ पे आरक्षण मिलने वाला नहीं है। ओके, और यहीं बिहार का रूल भी है, यहाँ पे बिहार के कैंडिडेट को ही आरक्षण मिलता है, और जिन कैंडिडेट को आरक्षण लेना है बिहार के कैंडिडेट हैं तो उनको जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट उनको पास में रहना जरूरी है। ठीक है, परीक्षा की पद्धति की बात करें तो आपको जो परीक्षा की पद्धति है 2 चरणों में ली जाएगी, पहला जो है चालन कौशल एवं प्रायोगिक परीक्षा होगा, ठीक है, और दूसरा जो है इंटरव्यू होगा, 2 चरणों में आपका जो है ये जो है प्रक्रिया समाप्त होगी। और यहाँ पे बताया गया है ट्रेड जज का जो अंक है 75 अंक रहेगा मैक्सिमम, और 25 अंक आपको जो है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का रहेगा, तो टोटल 100 मार्क्स में जितना आपका जितना ज़्यादा आपका आएगा मार्क्स उतना आपके लिए ज़्यादा है, ज़्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए। तो यही आपका है, पहले आपको जो है चालन कौशल एवं प्रायोगिक यानी ट्रेंड जांच होगा और उसके बाद में इंटरव्यू होगा। और आगे यही बताया गया है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है जो कि पिछले वीडियोज में भी मैं सभी एडवर्टीजमेंट वाले में मैंने बात किया हुआ है। और यहाँ पर बताया गया है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है 19 अगस्त को एक्टिव कर दिया जाएगा, जिसका स्टेप बाय स्टेप जो वीडियो में आपको 19 अगस्त को लेकर आने वाला हूं। और अगर आप मैट्रिक पास हैं और यहां पे आपके पास में LMB या फिर HMB का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, टोटल पोस्ट केवल 7 इसमें दिया गया है। और ऐसी ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आने वाले सभी इस भर्ती से रिगार्डिंग वीडियो के लिए और सभी वीडियोज जो पिछले मैंने अपलोड किया हुआ है उसे देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे विजिट जरूर से कर लीजिएगा। यहाँ पे ये प्लेलिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा गया है BVP भर्ती 2019। बस यही आपको अपडेट देना था, और ऐसी ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।